क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के दो पार्ट हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये, दोनों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डाइमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम दिया गया है और हमसे पूछा गया है डाइमेंशंस का पॉसिबल एक्सप्रेशन, जो भी इसकी डाइमेंशन होंगी। क्यूबॉइड की डाइमेंशन क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा? सो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। सो हमें इन्हीं के एक्सप्रेशंस निकालने हैं, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। सो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें दिया है 3x² माइनस में 12x। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन ट्राइनोमियल में नहीं है, तो इसके हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो जो भी कॉमन आ रहा है। इसमें 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, सो 3 कॉमन ले लेते हैं। और दोनों टर्म्स में देखोगे आप, यहां पर भी x आ रहा है और यहां पर भी x आ रहा है, तो x भी कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या, यहां पर फर्स्ट वाली टर्म में से हमने 3x कॉमन लिया है, यहां पर x का स्क्वायर है, 3 कॉमन आ गया, इसमें से x स्क्वायर में से 1x कॉमन आ गया, तो बचेगा 1x। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज, और 12x में से भी हमने क्या लिया है, 3x कॉमन। यहां पर अकेला x था वो कॉमन आ चुका है, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 जा पर। सो वॉल्यूम जो हमारा, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये किसके इक्वल आ गया, 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x माइनस 4 के। आप देखोगे ये किस फॉर्म में आ गया, कुछ इसी फॉर्म में आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। सो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट का? लेंथ हो जाएगी हमारी 3, ब्रेथ हो जाएगी x और हाइट हो जाएगी x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं सेकंड को। सेकंड में हमें वॉल्यूम दिया गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 12k। सो इसे लिख लेते हैं, यह है 12ky² प्लस में 8ky माइनस 20k। आप नोटिस करेंगे इसमें कि सभी जगह क्या आ रहा है, k आ रहा है, सभी टर्म्स में k आ रहा है। सो k को आप ले लीजिए कॉमन, k को कॉमन लिया, और आप देखेंगे कि सभी टर्म्स में ये भी 4 के टेबल में आते हैं, ये भी और ये भी, सो 4 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, k कॉमन और 4 कॉमन लेने के बाद 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 जा पर, और k हम कॉमन ले चुके हैं, बचेगा क्या, वाई स्क्वेयर। सो ये हो गया 3y². सेकंड टर्म्स में, सेकंड टर्म में क्या है, 8, 4 के टेबल में 8 आता है, 2 जा पर, और k हम कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा क्या, y। इसी तरह से माइनस का साइन और 20 4 के टेबल में कब आता है, 5 जा पर, और k हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर सिर्फ आएगा 5। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ट्राइनोमियल भी है, तो इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर देंगे। हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है 3, और कांस्टेंट टर्म है जो माइनस 5, 3 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 15, और माइनस 15 के फैक्टर करेंगे तो ये होगा 5 से और 3 से, 5 3 15। अब 5 और 3 को हमें रीअरेंज करके क्या बनाना है, 2। सो 5 में से हम अगर 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि हम जो मिडल टर्म है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो मिडल टर्म है उसे हम किस तरह से लिखेंगे, 5y - 3y। ठीक है, जो आ जाएगा हमारा 2y आ जाएगा सोल्व करने पर। सो इसी तरह से इसके फैक्टर करते हैं, 4k हमारा आ गया है बाहर, 3y फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2y को हम किस तरह से लिखेंगे, 5y - 3y। सो 5y - 3y और माइनस में 5 एज इट इज, लास्ट टर्म जो होती है वो एज इट इज लिखी जाती है। ठीक है, अब शुरू की जो दो टर्म्स है इनमें से हम ले लेते हैं कॉमन। सो यहां पर 4k एज इट इज, शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो सिर्फ y ही कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या, y कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां पर वाई स्क्वायर है, यानी कि 1y और 3y बचेगा, और सेकेंड टर्म है जो उसमें बचेगा, y कॉमन ले लिया तो बचा इसमें 5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म्स जो है ये -3y, इन दो टर्म्स में से भी कॉमन लेंगे, सो यहां पर माइनस, दोनों में माइनस आ रहा है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया।
ठीक है, उसके बाद इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं उसके अलावा, माइनस माइनस के अलावा, ठीक है, सो माइनस वन लिख देंगे। अगर किसी में कोई कॉमन नहीं होता तो वन ले लिया जाता है। उसके बाद वन के टेबल में थ्री वाई एज इट इज, मतलब ये वैल्यू जो है अंदर की एज इट इज आएगी, ठीक है। अगर हम वन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, माइनस साइन लिया है इसलिए यहां पर प्लस हो गई है ये दोनों वैल्यू, ठीक है। अब जो हमारे तीन लेंथ ब्रेथ और हाइट के एक्सप्रेशन होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट होगा हमारा 4k, यानी कि ये होगा लेंथ, और सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा y माइनस वन, ठीक है, y माइनस वन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ब्रेथ, और थर्ड होगा हमारा 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, ये किस फॉर्म में है, 4k मल्टीप्लाई में है y माइनस वन के साथ, और y माइनस वन मल्टीप्लाई में है 3y प्लस 5 के साथ। सो ये हो गई हमारी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट के पॉसिबल एक्सप्रेशंस, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर।